पूज्यपाद रतन बाबा सत्संग में। चराचर जीवों को परम शांति की सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित करने वाले सर्वोच्च स्मरणीय परम आराध्य संत सदगुरु महर्षि ने ही ब्रह्मंस जी महाराज के युगलपाद पदों में कोटि नमन। इस आयोजन के सम्माननीय आयोजक महोदय, आदरणीय आदरणीय जोड़ी दुकानिया और इनके सम्माननीय प्रतिदेव महोदय, सत्संग में उपस्थित पुण्य के धनी समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, साथ ही मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे आप तमाम देवी गुरु भक्तों को भी शरद प्रणाम निवेदित करता हूं। मानव जब किंग कर्तव्य विमोह हो जाता है जीवन में, जब सभी व्यक्ति मुख मोड़ लेते हैं कोई सहारा नहीं बचता है। दुनिया से जब उदासीन होते हैं व्यक्ति, निराश होते हैं, तो उसे भगवान के दरबार खटखटाना पड़ता है, क्योंकि अंतिम समाधान संसार वालों के पास में नहीं है, ना आपके प्रियजनों के पास है, ना सगे संबंधियों के पास है। आपका समाधान इस संसार में नहीं हो सकता, समाधान परमात्मा के हाथ में है, समस्या संसार वालों के हाथ में। समस्या खड़ी करना संसार वालों का काम है और समाधान तो परमात्मा के हाथ में है।
सत्संग की क्यों आवश्यकता है जीवन में? मंदिर जाना क्यों आवश्यक है? बहुत लोगों का मानना है कि मंदिर जाने से क्या हमें खाना मिल जाता है, कमाएंगे नहीं तो खाना भगवान दे देंगे। कितनी सोच ऐसी है लोगों की, कहते सत्संग सुनने से क्या हमारा काम हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके जीवन की श्वास यदि दिया है तो मंदिर में और सत्संग में रहने वाले परमात्मा ने दिया है। आपके जीवन को यदि सजाया है तो मात्र परमात्मा ने। उनकी यदि मौज होगी तो आपके शरीर को शिथिल कर देगा। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व तो है क्या? इस शरीर में आत्मा ना हो उस शरीर का कोई महत्व तो है? उस शरीर का कोई कीमत नहीं। कितने प्रिय आपके व्यक्ति हो, आपने जीवन में पूरी मेहनतें की हैं और मेहनत करके बड़ी बड़ी संपत्तियों को जमा कर लिया, सुंदर घर बना दिया, उस घर के आप मालिक हैं। और यदि आपके इस घर से परमात्मा ने जिस दिन जगह खाली कर दिया ना, तो ये आपके द्वारा बनाए गए महल में रहने के काबिल आप नहीं रह पाएंगे। उस समय फिर आपको रखेगा घर में, वो नहीं सोचेगा कि यही व्यक्ति ने जो इस बिल्डिंग को खड़ा किया, इस घर से नहीं निकालना चाहिए। थोड़े देर भी चिंता नहीं करेगा वो, और आपसे लोग दूर दूर आएंगे, घृणा करेंगे। और यदि आपके शरीर में सट जाए तो तुरंत नहाने की कोशिश करेंगे, बिना नहाए कोई काम नहीं करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपका शरीर जब तक परमात्मा है, जब तक आत्मा है, तब तक आपके शरीर कितने शोभायमान है। और आत्मा को निकलने के बाद ही आपके शरीर की कोई अस्तित्व नहीं रहता। वही है सत्य, और आज का प्रश्न है सत्संग। सत्संग हमें क्यों करना चाहिए? सत्संग से हमें क्या मिलता है? वो समय तुलसीदास जी को भगवान राम पूछते हैं कि स्वामी जी, आपकी पर्ण की कोटी बना करके चित्रकूट में रहते हो और रात दिन भजन करते हो, सत्संग करते हो, तुझे क्या मिलता है? इससे अच्छा जाओ कमाओ। जीवन में जैसे साधारण व्यक्ति संसार को जीते हैं, रात दिन सोचता है कि धन ही हमारे जीवन का सर्वस्व है, हमारे जीवन में पद की प्राप्ति ही जीवन का सर्वस्व है, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति वो आंखें नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों को अभिमान जरूर हो सकता है, लेकिन भक्त और सत्संग करने वालों को अभिमान नहीं होता। पैसा पागल भले बना सकता, संस्कार पागल नहीं बनाता। संस्कार तो सत्संग से मिलता है। सत्संग कभी अंधा नहीं बनाता, लेकिन धन व्यक्ति को अंधा बना देता है, यदि विवेक ना हो। उस समय तुलसीदास जी कहते, हाँ आपने सही कहा कि सत्संग से मुझे, मैंने माना कि कुछ नहीं मिलेगी मुझे दुनिया की चीजें, कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन क्या प्रभु सत्संग करने से आप भी नहीं मिलते? तो भगवान चुप हो जाते हैं। क्या मुझे आपके उत्तर के इंतजार है? क्या सत्संग करने से आप नहीं मिलते? भगवान चुप होकर के मुस्कुराते हैं। कहा, यही तो मात्र एक साधन है
जिस साधन के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। दुनिया की चीजें भले ना मिले लेकिन सत्संग और भजन से तो जीवन में वो मूल्यवान वस्तु मिलती है जो चीजें संसार के लोग नहीं दे सकते। और बड़भागी होते हैं जो सत्संग का कार्यक्रम है हमारे उमाशंकर बाबू के इस जगह पर उनके दर पत्नी से भी बातें हुई। बहुत उत्तम विचार और भावना है। संसार में यदि आपका भावना सही नहीं है ना तो हर चीज रहते हुए आप वो शांत रहेंगे। यदि आपका विचार सही नहीं है तो आपके पास हर चीज रहते हुए देखेंगे घर में शांति नहीं है। सब चीज है, पैसे हैं, परिवार है, सब है लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते हैं और शांति रहती है जीवन में। साधारण काम नहीं है ये सत्संग। कई जन्मों के पुण्य की पूंजी जब जमा होती तब किसी के जमीन पर या जगह पर सत्संग होता है। ये आसान काम नहीं। सत्संग करना कराना और सत्संग के लिए निर्धारित जगह का चयन होना ये हम आप नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा होती है कि किस जगह पर सत्संग होना चाहिए, कौन सी जगह पवित्र है ना, कहाँ पर सत्संग कराने योग्य जगह। ये तो भगवान राम और भगवान शिव डिसाइड करते हैं क्योंकि भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि राम भगति के ते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी कही पार्वती। राम भक्ति का वही अधिकारी है वही व्यक्ति जिन्हें सत्संग अति प्रिय लगता हो, जिनके घर पर जिनके मकान में सत्संग होता हो और जो भगवत भजन में लीन होता हो और जो सत्संग कराने के लिए इच्छुक हो। समझना कि वहां राम भक्ति की प्रधानता है। धन्यवाद। रंजन कुमार, अमृत सिद्धि, अमृत सिद्धि न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।